वैसे ये रहा मेरा पासपोर्ट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये मेरे पास बन के आ चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे तो उसको बने हुए, बट मैंने पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने होते हैं, क्या क्या होता है, वो भाई बता दोगे कैसा क्या होगा। वैसे तो मैंने बता दिया था, बट स्टिल थोड़ा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, क्या प्रोसेस होगा पुलिस वेरिफिकेशन का जब आप पासपोर्ट बनवाओगे। प्रोसेस क्या होता है, आप जब एप्लीकेशन भरते हो अपॉइंटमेंट आपका लगता है, अपॉइंटमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। अभी पुलिस वेरिफिकेशन का क्या सीन है मैं बताता हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मुझे सबसे पहले आया था कॉल, ठीक है, मेरे घर के जस्ट सामने ही पुलिस स्टेशन है, तो मुझे कॉल आ गया था कि प्रतीक जी आ जाइए, पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है आपको। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, आप बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कुछ भी नहीं है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं जो भी आपने एप्लीकेशन के टाइम दिए थे, जैसे कि मैंने दिया था अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी 10th की मार्कशीट। तो उन्होंने कहा तीनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, तीनों की दो दो फोटोकॉपी लेके आनी है, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड की दो फोटोकॉपी, पैन कार्ड की दो फोटोकॉपी, देन आप एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जाना। तो मैंने कहा ठीक है चलिए मैं लेकर आ जाता हूँ। मैं गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में एक जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, मतलब मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे प्रिंट निकाले, फिर उसमें उन लोगों ने स्टेपल किया मेरे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें करी। बोला कि यहाँ पे साइन कर दो, हर डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। मैंने साइन एंड ऑल करे, देन दैट्स इट, यही मेरा कंप्लीट प्रोसेस था। फिर मुझे TI के पास ले जाया गया, TI ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस मतलब जनरल क्वेश्चंस के पापा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, खैर उनको पता था बट स्टिल उनका प्रोसीजर है तो वो कर रहे थे कि आपका कहाँ रहते हो, पापा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है एंड पर्पस क्या है पासपोर्ट बनवाने का। तो मैंने कहा जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन बनवा रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा खास पर्पस नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है एंड मुझे भेज दिया। तो अराउंड इन सब काम में मुझे 15 मिनट लगे। एंड एक और बात कि जनरली लोग मुझसे कह रहे थे कि यार क्या कोई आपसे पैसा लिया या आपसे पैसे मांगेंगे या बहुत सारी चीज़ें, तो नहीं भाई मेरे से एक रुपए भी नहीं लिए गए, ना ही किसी ने डिमांड करी। सो आई डोंट थिंक आपसे भी कोई पैसे की डिमांड करेगा क्योंकि दिस इज जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई करता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो पासपोर्ट ऑफिस में, या दैट इज इट यार, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई आपसे पैसे मांगेगा। कुछ एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, तो अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हो। नाउ यही कंप्लीट प्रोसेस था, लेकिन मैं आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे मेरे पुराने वीडियो में जहाँ मैंने अप्लाई का प्रोसेस बताया था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई ये क्या है वो क्या है। तो मैंने सोचा कि यार एक लिस्ट बना देते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं, तो वो सब मैं इसी में दे देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या आपको फोटोग्राफ कैरी करना है जब आप अपॉइंटमेंट पर जाओगे, तो नहीं आपको फोटो कैरी नहीं करना है इफ़ यू आर अबव 18। अगर आप मेरी एज के हो या अबव 18 आपको पासपोर्ट बनाना है, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करना होता है। नाउ डू वी नीड टू कैरी जेरोक्स, तो यस डेफिनेटली यू हैव टू कैरी वन पेयर ऑफ जेरोक्स ऑफ ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, लाइक जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट जो कि मैंने यूज़ करी थी, तो इन सब की जेरोक्स कॉपी आपको लेके जाना है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ऑब्वियसली। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो आपका आ रहा था वो आ रहा था आधार कार्ड से रिलेटेड कि क्या PVC कार्ड एक्सेप्टेबल होगा। जब मैं गया था अपना अपॉइंटमेंट लेने तब मुझसे उन्होंने कहा था कि आपके पास PVC कार्ड है क्या आधार का, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास PVC कार्ड नहीं है, मेरे पास यही वाला आधार है जो हम प्रिंट करवाते हैं वही वाला। तो उन्होंने कहा था नहीं ये नहीं चलेगा, आपको जाना पड़ेगा साइबर कैफे पे एंड वहां से आपको आधार कार्ड प्रिंट करवा के लाना पड़ेगा, चाहे आप फोटो वाले पेपर पे प्रिंट करो या नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करवा के लाओ, बट आपको वो प्रिंट करवा के लाना पड़ेगा क्योंकि वो डिजिटली साइंड होता है। सो मेरे टाइम पे तो शायद वो PVC एक्सेप्ट कर रहे थे, बट कुछ लोगों ने बोला कि PVC एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, PVC कार्ड अगर आपके पास है भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लोग। सो इट इज़ रिकमेंडेबल कि PVC की जगह आप वो एक प्रिंट निकाल के ले जाओ, इट इज़ मच बेटर थिंग। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता अपना आधार कार्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बस डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट कर लेना और ले जाना। उसके बाद लोग पूछ रहे थे कि क्या अगर हमारे पास 10th की मार्कशीट नहीं है, 12th की मार्कशीट या कॉलेज की मार्कशीट है, क्या हम लेके जा सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन लेके जा सकते हो इफ योर मार्कशीट इज अबव 10th कर लिया है आपने, उसके बाद आप 12th की मार्कशीट ले जा सकते हो, या फिर कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, मतलब ऐसे फर्जी वर्जी नहीं, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आप उसकी डिग्री भी लेके जा सकते हो या फिर मार्कशीट लेके जा सकते हो, इट विल बी एक्सेप्टेबल। जितना मैंने डॉक्यूमेंट से पढ़ा है मुझे यही पता चला है, क्योंकि नॉन ECR में आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तो आप ये लेके जा सकते हो। और नॉन ECR में और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना कि नॉन ECR में
अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, 12th की मार्कशीट नहीं है या फिर कॉलेज डिग्री नहीं है, देन भी आप कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों का आ रहा था वो आ रहा था कि क्या डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल होंगे। तो नहीं भाई, आपको डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपको ओरिजिनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होता है वही लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑफिसर्स, ठीक है, वहाँ पे जो लोग बैठे रहेंगे दे आर पासपोर्ट ऑफिसर्स। तो भाई कोई मजाक तो है नहीं, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर काइंड ऑफ थिंग, और अगर आप उनसे बहस करोगे तो आपको सीधा भगा देंगे बाहर। तो इट्स बेटर कि आप उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, और वहाँ पे फ़ोन चलाना भी अलाउड नहीं होता है, तो आप ज़्यादा फ़ोन वोन भी यूज़ मत करना, ठीक है। तो यार दैट इज़ इट यार, कुछ क्वेश्चंस थे उसका जवाब दे दिया मैंने, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बता दिया। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं खुशी खुशी आपका जवाब दूंगा। फिर भी आपको अगर कुछ इशूज़ आते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली आप वहाँ आ सकते हो, हम डायरेक्टली बात कर लेंगे। तो यार दैट इज़ इट गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और नए नए वाली वीडियो में, तब तक लिखते रहिए राधे राधे, चलिए बाय बाय।